हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। ड्यू टू प्लस पे की वेरियस पोस्ट वैकेंसी आई थी 2020 में। मैं आपके सामने हमेशा प्रीवियस मंथ या प्रीवियस से पेपर लेके आ रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ पेपर लेके आए ड्यू टू प्लस बी वार्डन का, जो पेपर हुआ था 27 जून 2019 को, आफ्टरनून का पेपर आपके सामने। आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगेगा, दोस्तों को शेयर करेंगे जिससे हर किसी को इन्फॉर्मेशन मिल पाए। यहाँ मेन पर्पज से पेपर लेके आने का, आप प्रैक्टिस करते रहिए। जब भी आपका एग्जामिनेशन होगा आप अच्छे नंबर स्कोर करेंगे, जब भी आपका प्रैक्टिस अच्छा तरीके से बना रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। हर एक क्वेश्चन को पॉज करना है, सॉल्व करना है, कोशिश करना है कि सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें, दो तीन क्वेश्चन करके नहीं जाए। चलिए मैं आगे बढ़ाते चल रहा हूं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसे अभी आप देख रहे हैं। वीडियो के नीचे जनरल कंपटीशन लिखा हुआ मिलेगा, वहां सब्सक्राइब का बटन, उसे क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कोई रिजल्ट आएगी, नोटिफिकेशन या कोई पुरानी वैकेंसी आएगी, सबसे पहले हम लोग लेकर आपके पास आते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों को शेयर करेंगे जिससे हर किसी को इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो मैं आगे बढ़ाते चल रहा हूं और आप देखिए कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है और दोस्तों को जरूर वीडियो शेयर करना है जिससे हर कोई अच्छी तरीके से तैयारी कर सके। हमारे चैनल पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल है, वहां जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। जनरल कंपटीशन आप सर्च करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, कमेंट में भी लिंक है, ये लोगो आपको दिखेगा, ये लोगो पर क्लिक करना है। जनरल कंपटीशन लिखेंगे या लिंक पर जाने के बाद आपको यहाँ पर लोगो दिखेगा ऐसा, सेम इसी लोगो पर ज्वाइन करना है। फ्रॉड भी बहुत लोग आ चुके हैं, सेम लोगो लिखकर, सेम जनरल कंपटीशन लिखकर आपको यहाँ पर बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ऐसा काम नहीं करना है, ऐसे चैनल पर जाकर ज्वाइन करना है जहाँ आपको प्रीवियस से पेपर्स में मिले, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिले। जब कोई नई वैकेंसी आई या कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आए, सबसे पहले वहाँ पर हम लोग लिंक को शेयर करते हैं, आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो उस पर जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा जनरल कंपटीशन पे, और जाकर आपको हमेशा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और पेपर्स में मिलते रहेंगे। मैं आगे बढ़ाते चल रहा हूँ। हर एक क्वेश्चन को पॉज करना है, सॉल्व करना है और देखना है कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगेगा, दोस्तों को शेयर करेंगे जिससे हर कोई अच्छी तरीके से तैयारी कर सके। PDF डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत सारे PDFs हम अवेलेबल करा दिए हैं। DSSSB की जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं सभी PDF को हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपने 13/20 का फॉर्म फिलअप किया है जूनियर क्लर्क का, या 99/20 का फॉर्म फिलअप किया है, या कोई और भी फॉर्म फिलअप किया है, तैयारी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कंबाइंड PDF है, मैं आपको बता दूं पहले ही, कंबाइंड PDF मतलब मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून ऐसे पेपर होते हैं, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग ऐसे पेपर होते हैं, सभी को मैंने कंबाइंड कर करके, कोई 12 शिफ्ट का है, कोई 18 शिफ्ट का है, कोई 40 शिफ्ट का है, कोई 35 शिफ्ट का है, कोई 13 शिफ्ट का है, तो ऐसे कंबाइंड कर करके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने NTPC का फॉर्म फिलअप किया है या आपने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप किया है, सभी के पेपर्स डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। SSC का तैयारी कर रहे हैं, CHSL का एग्जामिनेशन का वेट कर रहे हैं, या आप CGL का वेट कर रहे हैं, आपके लिए अच्छा मौका है। आपके सामने सभी पेपर्स अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो इस साल पेपर हुआ था CGL का, उसका एक पेपर आ चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, TCS के नाम से सेव है। ये TCS के द्वारा पेपर लिया जाता है, DSSSB भी पेपर लेती है TCS के द्वारा, और साथ में SSC भी लेती है, NTPC भी TCS लेती है, सारे एग्जामिनेशन TCS लेती है। तो लेटेस्ट पेपर हमेशा लेकर आते रहते हैं हम लोग, और कोशिश यही करते हैं आपके सामने हमेशा सही सटीक इन्फॉर्मेशन लेकर आएँ। हमारे चैनल के माध्यम से आपको हमेशा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगी। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा, और जब भी कोई रिजल्ट नोटिफिकेशन आएगी आपको हमेशा मिलते रहेगी। अब बात कर लेते हैं पेपर के बारे में, पेपर कैसा आया हुआ है, पेपर का लेवल क्या है, ये आपको देखना है। अटैम्प अपने देखना, आप कितना अटैम्प कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन छूट रहे हैं आपसे, कितने क्वेश्चन आप बना पा रहे हैं, टाइमिंग क्या लग रही है, आपकी एक्यूरेसी क्या है, और आपकी कमी जो है उसे दूर कैसे करना है, ये आपको यहाँ देखना है। क्योंकि आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं कुछ अलग क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। पेपर का लेवल सबका सेम होता है, DSSSB में यही खासियत है। अगर आप कोई भी कलर का पेपर दे रहे हैं 10th 12th का, तो सबका सिलेबस सेम रहता है, पैटर्न भी सेम रहता है, क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट भी मारते हैं मैथ्स में। तो ऐसा करना है कि आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है और कोशिश करना है कि सारे क्वेश्चन करके जाए, जिससे आपके आने वाले सभी एग्जामिनेशन में बेनिफिट मिलेगा आपको। मैं पेपर लेके आ रहा हूँ कंटिन्यूसली, आपको नहीं पता मैं बता दूँ, पेपर मैं कंटिन्यूसली लेकर आ रहा हूँ लगातार। आप जाके देखेंगे तो बहुत सारे पेपर्स अपलोड किए हैं। हमारे चैनल पर जुटे रहिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि जैसे कोई रिजल्ट आती है, नोटिफिकेशन आएगी और पेपर्स लेकर आएंगे जैसे, हम लोग आपको मिल जाएगी। बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं, हम लोग हर दिन एक पेपर डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, जिससे हर कोई देख रहे हैं, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, इसलिए पेपर लेके आ रहे हैं कंटिन्यूसली और आगे भी लेके आते रहेंगे। तो आपको भी बेनिफिट मिलना चाहिए पेपर का, क्योंकि लेटेस्ट पेपर आपके सामने, 5 साल 6 साल पुराना पेपर सॉल्व करेंगे, जो ऑफलाइन पेपर हुआ था उसे सॉल्व करने से कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि मार्केट में वही अवेलेबल है। आप जाएंगे मार्केट में बुक्स लेने के लिए, अभी तो लॉकडाउन है, कन्फर्म तो नहीं है कब तक लॉकडाउन चलेगा या कब तक ख़त्म होगा। जब भी आपका पेपर होगा लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद, तो आपको करना क्या है,
आपको सबसे पहले सारे प्रीवियस ईयर पेपर जो पेपर पिछले साल हुए थे 2019 में उन सभी को सॉल्व करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहाँ से भी कर सकते हैं, कहीं और से भी ले सकते हैं, जहाँ से भी करना है कर सकते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर सॉल्व करके बिना पेपर दे नहीं जाएंगे, क्योंकि सारा पेपर्स आपको देखने को ये मिलेगा, अगर आप पूरा पेपर सॉल्व कर जाते हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा कि 75% क्वेश्चंस रिपीट मारते हैं मैथ्स में और इंग्लिश में। उनमें यही खासियत है कि मैथ्स और इंग्लिश में रिपीट मारते हैं, डायरेक्टली उठाकर कॉपी पेस्ट करते हैं। तो पेपर को सॉल्व करेंगे, अटैम्प्ट करेंगे, चारों ऑप्शन को एनालाइज करेंगे। मान लीजिए वो कैप्स आया है तो चारों क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, अपनी एक्यूरेसी क्या है, टाइमिंग क्या है, और उस पर काम करेंगे कि हमें चारों ऑप्शन, जैसे हमारी वोकैब्स है या आइडम है या कोई एंटोनिम सिनोनिम, तो उस पर आपको चारों ऑप्शन पता होना चाहिए अच्छी तरीके से कि आपका यहाँ पर क्या होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी करते हैं कि चारों ऑप्शन को छांट कर भी तीन में से छांट लेंगे, तीन पॉजिटिव है, तीन नेगेटिव है, तीन पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो उसमें से छांट कर एक आंसर दे देते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो ऐसा आपको काम करना भी पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में पेपर थोड़ा टफ भी आ सकता है, क्योंकि कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि प्रैक्टिस करते रहिए, तैयारी करते रहिए, कोशिश कीजिए कि हर दिन पेपर अटैम्प्ट करें, एक्यूरेसी बढ़ाएं, टाइमिंग बढ़ाएं, अपना देखें कितना क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन छूट रहे हैं। तो मैं आगे बढ़ाते चल रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन को पॉज करना है, सॉल्व करना है और देखना है। PDF चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐसे वीडियोस और देखने हैं तो प्लेलिस्ट भी है, चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ जाके देखिए, बहुत सारे ऐसे वीडियोस पड़े हुए हैं, बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनको बहुत सारा बेनिफिट भी मिल रहा है, तो आपको भी मिल सकता है। चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ जाके देखिए। तो आगे मैं बढ़ाते चल रहा हूँ, अब उम्मीद करते हैं वीडियो देख रहे होंगे, उम्मीद करते हैं पूरा क्वेश्चन करके जाएंगे, 2, 4, 5, 6 क्वेश्चन करके नहीं जाएंगे, इससे आपका बेनिफिट कुछ नहीं मिलने वाला है। 2, 4, 5, 6 क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होने वाला है, पूरा क्वेश्चन टाइम करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपकी वीकनेस क्या है, उस पर आप काम करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। हिंदी क्वेश्चन चल रहा है अभी, सबसे लास्ट पास्ट में हिंदी आता है, सबसे लास्ट जो पार्ट होता है हिंदी का ही होता है, पता ही होगा पैटर्न फिक्स होता है DSSP का, उसी से सेम पैटर्न से क्वेश्चन पूछते हैं। शुरुआत में ओपन करेंगे तो रीजनिंग मिलेगा, फिर GK, फिर मैथ्स, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी, फिक्स पैटर्न है, सेम पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ही पैटर्न से आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। कोई भी फॉर्म फिलअप किए हैं 13/20 से, कोई भी तैयारी करते रहिए, एग्जामिनेशन जब भी होगा अच्छे नंबर स्कोर आप करेंगे, अपने पे विश्वास रखिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करिएगा, जिससे हर किसी को बेनिफिट मिले, आपसे उम्मीद करते हैं।